हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई बंटी और आप देख रहे हो बीएस ब्लॉग। तो जय श्री महाकाल। तो फ्रेंड, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं कहाँ आया हूं। महाकाल लोक दर्शन करने महाकाल का उज्जैन नगरी। जय हो। तो कैसे आप सब, मेरे साथ है भैया हमारा भाई कुलदीप और मोटू भैया भी हैं, आपको मिलेंगे महाकाल में। और उनके अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन वो बोले कि भाई पेट्रोल लेते समय मेरा सूट मत लो। तो फ्रेंड, चलते हैं महाकाल लोक, आपको भी दर्शन कराते हैं और खुद भी करते हैं। तो जय जय श्री महाकाल। तो फ्रेंड, मैं फाइनली निकल गया हूँ और बैकग्राउंड म्यूजिक तो डालूंगा ही नहीं, कंफर्म है, क्योंकि डालो और ये कॉपीराइट आ जाता तो मज़ा नहीं आता फ्रेंड। सही बोला ना। तो फ्रेंड, ये गांव है और ये गांव का नाम क्या है भैया? आई डोंट नो। ओके ब्रो। तो फ्रेंड, कच्ची रास्तों से और गांव के रास्तों से भाई, इस गांव मतलब ये रोड्स में गुजरता हूँ ना तो मेरा गांव याद आ जाता है यार भाई। सेम टू सेम भाई, अपना लगता है ना कि बिहार। अरे यार, बट क्या करूँ भाई, कोई बात नहीं, कोशिश रहेगी गाँव जाने की अगले बार, अगले 2-3 महीने के बाद। अभी तो एग्जाम देकर पढ़ाई करना है। तो फ्रेंड, बहुत ही सुंदर नज़ारा ये जय श्री राम मंदिर, ये जो नर लाए है दर्शन कर लिए, तो बस श्री राम का दर्शन हो गया, अब चलते हैं अपन एक ही बार महाकाल का दर्शन करना। तो जय श्री महाकाल। तो फ्रेंड, फाइनली गेट दिख रहा है ना, तो बस ये महाकाल का गेट है और मैं उज्जैन में पहुंच गया हूँ। 70-80 किलोमीटर का दूरी तय करके। जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो फ्रेंड, देखिए पीछे महाकाल गेट यानी उज्जैन का गेट है और हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं। और ये जो रोड सीधे जा रहा है ना, बस महाकाल नगरी यही रोड पहुंचा देगा हमें। और बता दूं कि मोटू भैया हाय, और भैया जी अपना नाम भी बता दो थोड़ा। उमेश भैया हमारे साथ, चश्मे वाले भैया, एकदम चश्मा लगा के लगते हैं अक्षय कुमार। और हमारे भाई टीम भाई, इंडियन टीम के 10 भाई, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई मेरे 10। और गोल्लू भैया को तो जानते ही हो, तो फिर मिलते हैं आपको महाकाल। तो भैया, हम पहुंच गए महाकाल नगरी और यहाँ प्रसाद लेंगे और गाड़ी भी यहाँ लगा दी है, फ्री में लगाए हैं गाड़ी, बस प्रसाद का पैसा लगेगा, तो ले लेते हैं प्रसाद, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड, हम प्रसाद ले लिए हैं और हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने अब, ठीक है? तो दर्शन कर लेते हैं और फिर आपको महाकाल लोक दिखा देंगे हम बढ़िया से, है ना। तो फ्रेंड, अब हम सोच रहे हैं थोड़ा टीका मरवा लेते हैं, महाकाल नगरी आए हैं तो बिना टीका के मजा नहीं आएगा, तो टीका मरवा लेते हैं पहले, ठीक है? देखते हैं कौन टीका मारता है बढ़िया वाला, टीका मरवा लेते हैं। ये भाई मिल गया, हम लगवा लेते हैं टीका। तो फ्रेंड, ऐसा हुआ आज कि टीका लग रहा था, आधा टीका लगा था, तो बस सिक्योरिटी वाले ने आके भाई को बोला, भाई थोड़ा साइड हो जा। क्या बताऊँ यार, दिमाग ख़राब हो गया। बट टीका बहुत अच्छा लगाया भाई ने, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, 5 रुपये में टीका लगा दिया। तो फ्रेंड, हम टीका लगा लिए हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, नहीं और गमछा तो हमारा शान है, तो गमछा नहीं रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और अब थोड़ा चलते हैं लाइन में लगने, महाकाल जी का दर्शन करना है तो लाइन में तो लगना पड़ेगा ना भैया, तो चलते हैं लाइन में लगने हैं, लगना जरूरी है लाइन में। तो गुरु, हम लाइन में आ गए हैं और महाकाल बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, पहले जूता स्टैंड ये रहा, तो पहले हम जूता निकाल के यहीं रखेंगे पहले, है ना, और फिर दर्शन करेंगे। तो पहले जूता निकाल लेते हैं। जय महाकाल। सबके मुंह में दही जमा है गाइस, सब देखने आते हैं बस, बोलने नहीं आते हैं। जय महाकाल। हर फ्रेंड, कोई धक्का मुक्की नहीं है, बस थोड़ा आगे चलेंगे ना तो एकदम सिंगल लाइन चल रहा है, वही तो हम महाकाल का दर्शन कराते हैं आपको टीवी से। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, बस पहुंचने वाले हैं महाकाल के दरबार में, पहुंच तो गए फ्रेंड। गुटका पाउच देखिए,
यहाँ दादाजी चाह रहे हैं लेने के लिए लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। बस अंदर प्रवेश कर लिए गाइस। भैया एक बात है कि इस बार जब हम लोग आए तो बहुत ज्यादा ही घुमा हो गया, संडे है ना, संडे भी है और पूरा खाली है ना, इसलिए पूरा ज्यादा घुमा हो गया गाइस, पूरा ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया है। और कोई नहीं, बस बाबा का दर्शन हो जाए वही काफी है। मंदिर आ गया, मंदिर दिखा। और बहुत ही किस्मत वाले को यहाँ मतलब आने का मौका मिलता है और मैं आपको अभी मंदिर दिखाता हूँ। तो जय श्री महाकाल, अच्छा से दर्शन हो गया गाइस और आप भी देखें। और ये रहा उज्जैन का महाकाल मंदिर जो मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, और महाकाल का दर्शन कराया मैंने आपको बहुत अच्छा से। अब मैं थोड़ा फोटो शूट कर लेता हूँ अपना और फिर आपको महाकाल लोक में आपको घुमाने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं आप महाकाल लोक में। जय जय श्री महाकाल। तो फ्रेंड मैं महाकाल लोक आ गया हूँ, अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ शिव जी का। तो फ्रेंड यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका यहाँ पे बना हुआ है, आपको मैं दर्शन कराया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं और कौन से भगवान है वहाँ आगे। तो फ्रेंड यहाँ गणेश जी, पोर्ट्रेट में लो ना।
चला भी इसको रोक जीते बिनते तो फ्रेंड ये गजा सुर संहार जिनका आपको दर्शन कराया मैंने। तो फ्रेंड यहाँ देखिए गंगा जी का अवतार हुआ है जो शिव जी के ऊपर माथे से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा से। तो फ्रेंड अगर आपको चलने में दिक्कत है ना तो आप ये गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं किराए से, क्या बात है। तो फ्रेंड शिव जी की सबसे बड़ी प्रतिमा उज्जैन में जो लगी हुई है मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो फ्रेंड्स शिव जी विष पीते हुए त्रिवेणी संग्रहालय एवं रुद्र सागर के आसपास सभी वाहनों की पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। श्रद्धालु त्रिवेणी संग्रहालय के सामने। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं रामर कैलाश पर्वत अपने माथे पे उठा लिया है, क्या बात है। श्री महाकाल लोक में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। श्री महाकाल। तो फ्रेंड सरस्वती माता महालक्ष्मी माता और पार्वती माता। तो फ्रेंड्स शिव जी का बरात। श्रद्धालु त्रिवेणी संग्रहालय के सामने नव निर्मित सरफेस पार्किंग पर अपने वाहन पार्क करें। आने की सुविधा उपलब्ध है। भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन के पश्चात तो फ्रेंड मैं महाकाल लोक से बाहर निकल गया हूँ और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में गेट देख रहे होंगे, देख रहे हैं। तो मैं महाकाल लोक से बाहर निकल गया हूँ और महाकाल लोक का आनंद भी लिया और आपको भी आनंद दिलाया महाकाल लोक का। तो कैसा लगा आपको महाकाल लोक? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार प्लीज़ महाकाल जय जय महाकाल लिख दो कॉमेंट में और वीडियो को शेयर करो कि जो महाकाल लोक नहीं देखे वो महाकाल लोक उनको दिखाओ। और ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय जय श्री महाकाल।